हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कोपा डेल रे कप के मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पहले पॉइंट टेबल, उसके बाद दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस, उसके बाद में दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डालेंगे। तो पहले पॉइंट टेबल की ओर देखते हैं। तो गाइस, रियल मैड्रिड पॉइंट टेबल में यानी ला लीगा में फिलहाल के टाइम पर सेकंड पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें एफसी बार्सिलोना ला लीगा में ही फर्स्ट पोजीशन पर है। तो दोनों टीमों की जो पोजीशन है वो टॉप पर है। तो दोनों टीमें टॉप लेवल की टीम है। तो आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, मुझे इस मैच में रियल मैड्रिड एक फेवरेट टीम लगती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। क्यों? क्योंकि ये मैच होम में है रियल मैड्रिड के, तो इसलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन बार्सिलोना को भी हल्के मत लेना, इस लीग की टॉप बेस्ट टीम है, अटैक भी बेहतर है, डिफेंस भी काफ़ी शानदार है। लेकिन मैं रियल मैड्रिड को क्यों बैक कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अब बात करें दोनों टीम के बीच में, जब दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं और 6 में से रियल मैड्रिड ने 3 विन करे हैं और बार्सिलोना ने भी 3 विन किए हैं। तो मतलब 50-50 का मैच है। अटैक 1.5 है, डिफेंस 2 गोल पर मैच और कंसीड है। अटैकिंग परफॉर्मेंस मैड्रिड का अच्छा रहता है इसके अगेंस्ट में, लेकिन डिफेंस भी गोल कंसीड कर देता है। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया, बार्सिलोना उस मैच को इजीली 3-1 से विन कर गई। 3 गोल किए बार्सिलोना, लेकिन 1 गोल रियल मैड्रिड ने भी किया। और एक मैच फिर रियल मैड्रिड इस टीम के सामने खेली, मैड्रिड वो मैच अपने होम में खेली थी और इस टीम के सामने 3 गोल करे और 1 गोल डिफेंस कंसीड किया। तो रिसेंटली 2 मैच बोथ टीम टू स्कोर गए हैं और उससे पिछले 2 मैच और खेले गए इन दोनों टीम बीच में, वो दोनों मैचेस बार्सिलोना ने 4-0 और 1-0 से मैच को विन किया है। और उससे पिछले 2 मैच और खेले गए और उन 2 मैचेस में रियल मैड्रिड ने इस टीम के सामने जीत हासिल की है, लेकिन उन मैचेस में बार्सिलोना ने इस टीम के सामने गोल स्कोर भी किया है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं अधिकतर चांस यही रहता है कि बोथ टीम टू स्कोर, मतलब दोनों तरफ गोल हो जाने तय रहते हैं। 2 ही मैच ऐसे गए जब दोनों टीम ने गोल नहीं किया, बल्कि अधिकतर ऐसा ही हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों टीमें 50-50 नज़र आएंगी। लेकिन दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार है उस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो गाइस, रियल मैड्रिड करंटली 6 मैच खेली है और 5 मैच विन करे, 1 मैच लॉस, मतलब 1 मैच ड्रॉ खेला, लॉस तो किया ही नहीं है। अटैक 3.5 है, डिफेंस 1.2 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत है, मतलब काफ़ी इंप्रेसिव है। और डिफेंसिव परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ये भी अच्छा है, मतलब जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, कभी कभी गोल कंसीड भी कर देती है। बात करें जो पिछला मैच एटलेटिको मैड्रिड के सामने टीम अटैकिंग ड्रॉ खेली, 1 गोल किया, डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। और उससे भी मुकाबला लिवरपूल के सामने यूएफए चैंपियनशिप लीग में 5-2 से विन किए। अब लिवरपूल ऐसे तो नहीं कोई हल्की टीम है और डिफेंस भी उसका हल्का नहीं है जब उसके सामने विन किया है इसने। और उससे पहले 2 मैच और खेले हैं, एक इल्चे के सामने, एक ओसासुना के सामने, दोनों मैच वन साइड विन करे हैं। फिर अल हिलाल के सामने टीम 5-3 से विन की है, वो भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, और क्लब वर्ल्ड कप की ये टॉप टीम थी। और उसके मुकाबले ये अल अहली के सामने खेली, 4-1 से विन की। तो करंट फॉर्म देखा जाए तो मैड्रिड का अटैक बहुत मजबूत है और डिफेंस भी कहीं ना कहीं जल्दी से गोल कंसीड नहीं करता। अब हम बात करते हैं बार्सिलोना का करंट फॉर्म किस प्रकार है। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि बार्सिलोना का जो फॉर्म है वो किसने बिगाड़ा है। तो गाइज, बार्सिलोना ने 6 मैच खेले, 3 मैच विन करें, 1 ड्रॉ खेला, 2 लॉस किए हैं। अटैक 1.2 है, डिफेंस 0.8 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, डिफेंस भी कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन बार्सिलोना ने पिछला मैच अलमेरिया के सामने हार गई और अलमेरिया ला लीगा की काफ़ी हल्की टीम है, उसके सामने हार गई। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बार्सिलोना मैड्रिड के सामने किस तरह खेलेगी। खेलेगी तो सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल, पिछले 2 मैच हारे हैं तो थोड़ा सा डाउन देखने को जरूर मिलेगा। मैनचेस्टर ने इसको धूल चटा दी अपने होम में, 2-1 से हार गई उसके सामने, 1 गोल कंसीड किया, डिफेंस से 2 गोल, मतलब 1 गोल किया, डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए। फिर कैडिज के सामने जरूर विन कर गए, फिर मैनचेस्टर के सामने अगेन अटैकिंग ड्रॉ खेली। मतलब इस टीम ने जब से मैनचेस्टर से मैच खेले ना, उन मैचेस में इस टीम ने डिफेंस से गोल कंसीड करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पिछले जितने मैचेस खेले थे इसने गोल भी नहीं किया था, मतलब कंसीड। अटैक से काफ़ी अच्छा खेल रही थी, डिफेंस बहुत मजबूत था उस टाइम पर, तभी तो ये इस लीग की टॉप बेस्ट टीम थी।
वरना टॉप बेस्ट में तो मैड्रिड ही आती ना, लेकिन मैनचेस्टर ने इसका गेम का प्लान का तहस नहस कर दिया डिफेंस को, और उससे पहले दो मैच स्टेनो वन साइड विन करें। तो बार्सिलोना भी आप हल्के मत लेना, डिफेंस भी अच्छा रहता है इसका, अटैक भी काफ़ी अच्छा है। तो फाइनली अब बात आती है कि इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो पॉइंट टेबल पर हमने पहले नज़र डाली, फिर हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर नज़र डाली। अगर तीनों फॉर्मेट को कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम का तीनों फॉर्मेट में मजबूत परफॉर्मेंस रहा, तो पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग दोनों टीमें 50-50 हैं, क्योंकि दोनों टीमें की पोजीशन 2-1 है। ओके, हेड टू हेड में देखा गया है जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है तो रिजल्ट दोनों तरफ से आपको 50-50 देखने को मिलता है। एक मैच वो विन करती है तो बल्कि एक मैच विनिंग वो करते हैं, बल्कि पिछले 6 मैच से 3 इसने किए हैं, 3 इसने खेले हैं और तीनों मैच जीते हैं। ओके, और अधिकतर मैचेस 80% चांस ये रहते हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे के सामने गोल भी कर देती हैं। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो मैड्रिड का काफ़ी बेहतर है और अधिकतर मैचेस विन करे हैं, और अटैक भी अच्छा, डिफेंस मजबूत है। बार्सिलोना का परफॉर्मेंस देखा जाए तो अटैकिंग वाइज एवरेज है, डिफेंस कहीं ना कहीं फिलहाल के टाइम पर गोल कंसीड भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें बेस्ट हैं यार, कहने का मतलब ये है स्पेन की टॉप बेस्ट टीम है ये दोनों। तो दोनों टीम के बीच में ये मैच है, तो मैच का स्कोरलाइन क्या होगा? मुझे लगता है कि ये मैच एक हाई स्कोरिंग जाएगा और कहीं ना कहीं आपको मैड्रिड की तरफ से 2 गोल देखने को मिलेंगे इस मैच में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो पिछले बार्सिलोना ने 3-4 मैच खेले हैं उनमें डिफेंस से बहुत ज़्यादा गोल कंसीड किए हैं, और पिछले 2 मैच ये हार कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन जरूर देखने को मिलेगा। और मैड्रिड अपने मैच ये होम में खेलेगी, तो इसलिए एडवांटेज मैड्रिड की ओर मैं देता हूँ। बार्सिलोना की तरफ से भी आपको 1 गोल देखने को मिल सकता है। तो ये मैच मैंने रखा है 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या हमारी इस मैच में टीम के कॉम्बिनेशन तैयार होता है, कौन कौन से प्लेयर हमें टीम में लेने हैं, वो अब आपके लिए कंप्लीट जानकारी दूंगा। ओके, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है इस वीडियो में कि कौन सी टीम विन करेगी, कितना गोल स्कोर करेगी, लेकिन वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज के मैच में गोल करेंगे, किन प्लेयर्स को हमें टीम में ट्राई करना है, किसको ग्रैंड लीग में ट्रैक मतलब लेना है, किसको समोल लीग में लेना है, ये सारी जानकारी अब आपके लिए आगे चलकर कंप्लीट दी जाएंगी। बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो हम नज़र डालेंगे सर उससे पहले मैड्रिड के प्लेयर्स पर, फिर नज़र डालेंगे बार्सिलोना के प्लेयर्स पर, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो चलिए सीधे नज़र डालते हैं मैड्रिड की ओर। तो गाइस, रियल मैड्रिड की तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर करीम बेंजेमा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इस टीम की तरफ से टॉप प्लेयर रहता है, पेनल्टी तक लेता है और बार्सिलोना के सामने जब भी खेला हर मैच में गोल किया है, तो कैप्टन आराम से आप इन्हें बना सकते हो। ओके, वाल्ड्रेड एक बेहतर प्लेयर है, रीसेंट फॉर्म काफ़ी मजबूत है, तो एक इंपॉर्टेंट है, डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेता है। विनीसियस जूनियर बिल्कुल भी हल्के मत लेना, करंट फॉर्म अगर देखा जाए विनीसियस का बहुत मजबूत है, मतलब इनफॉर्म बल्लेबाज कह सकते हैं, जैसे वैसे ही इनफॉर्म है, मतलब हर मैच में गोल कर देता है, मार्कस रैशफोर्ड जिस टाइप का। मार्को एसेंसियो इतना ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन जब भी हल्की टीम के सामने मैच खेलता हूँ तब इसको लेता हूँ, बड़ी टीम के सामने क्या इसको लूँगा नहीं लूँगा वो देखने वाली बात रहेगी लाइनअप के हिसाब से। लुका मॉड्रिक ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के कम से कम आपके लिए 30 पॉइंट तो दे ही जाएगा आज भी, अगर गोल नहीं भी करेगा, असिस्ट भी नहीं करेगा तब भी, गोल असिस्ट कर दिया तो फिर वो बात अलग है। ओके, फिर यहाँ से रोड्रियागो है, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो एक दो टीम में। मिलिटाओ मुझे काफ़ी पसंद है, इस टीम तरफ सेंटर बैक है लेकिन डिफेंस पॉइंट बहुत अच्छा देता है, ये हेडर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसको अगर आपको याद होगा ना, मैंने जब भी मैड्रिड वाले मैच में ग्रैंड लीग विन करी है वो इसी की वजह से की है, इतना बता दूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मैं इसको हमेशा कैप्टन बनाता हूँ 2-4 बार ग्रैंड लीग में। टोनी क्रूस टॉप क्लास प्लेयर है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, डिफेंसिव वर्क जितना आपको मॉड्रिक देगा उतना ही आपको टोनी क्रूस देगा। लुकास है, अलवारो है, एंटोनियो है, डेविड अलाबा है, मतलब टॉप क्लास टीम है तो टॉप क्लास प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे ही। अब लाइनअप के हिसाब से कौन कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे वो लाइनअप पर डिपेंड है, क्योंकि हिसाब से देखा जाए तो रिकॉर्ड के हिसाब से वो टॉप पर टॉप प्लेयर है, उन्हीं को लेकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर हैं, क्योंकि एक असिस्ट का 20 पॉइंट मिलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी नज़र डालते हैं। असिस्ट में देखा जाए रोड्रिगो जिसने 5 असिस्ट, विनीसियस जूनियर, करीम बेंजेमा, असेंसियो, लॉर्क मैड्रिक, अलाबा, वेलरेड, टोनी क्रूस, ये वही प्लेयर्स आपको बार बार नाम याद देखने मिलेंगे। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आपको आज के मैच में भी ट्राई करना, हमें 11 प्लेयर्स लेना, अब इनमें से कौन कौन से लें, देखो कुछ प्लेयर तो लाइनअप के हिसाब से खेलेंगे नहीं, कुछ प्लेयर खेलेंगे वो लाइनअप आने के बाद मैं क्लियर टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो यहाँ पर जो टॉप प्लेयर हैं वो जिनका रिकॉर्ड बेहतर है उनको आप पिक कर लेना। ओके, सिंपल सी बात यार। अब हम बात करते हैं असिस्ट, मतलब जो सेकंड टीम है बार्सिलोना, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल कितना असिस्ट किए, तो देखते हैं उन पर भी। तो गाइस, बार्सिलोना की तरफ से भी कोई संदेह वाला ऐसा प्लेयर है नहीं जो गोल नहीं कर सकता, जैसे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, इस पर कोई संदेह नहीं हमारा। फिर यहाँ से पेड्रो गोंजालेज, करंट फॉर्म इसका भी अच्छा है, उस्मान डेम्बेले खेलने के
चांस लेस रखेगा, लेकिन खेलेगा तो अच्छा प्लेयर है और डिफेंसिव वर्क भी कर लेता है, पॉइंट दे जाता है। राफिन्हा मैं आपके लिए बता दूं, ये इस टीम के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि ये आई थिंक मुझे जहां तक याद है ये दूसरी लीग में जाकर खेल रहा फिलहाल टाइम पर। सर्जी रॉबर्टो है तो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है। राफिन्हा देखेंगे कि खेलेगा नहीं खेलेगा, शायद राफिन्हा दो हैं, हाँ ये तो खेलेगा बड़ी। दूसरा जो राफिन्हा ना वो खेल रहा था उसमें, मैंने अभी देखा था, उसने ही उसी ने गोल किया था शायद कतर लीग या सऊदी लीग या यूएई लीग, ऐसे लीग में खेला था मैंने राफिन्हा, दूसरा था वो ब्राज़ील वाला, ये भी ब्राज़ील का लेकिन वो भी। अंशु फाती है, 3 गोल कर चुका। फेरन टोरेस है, लुक फ्रैंक डिजोंग है, मार्को अलोंसो है, जोर डेल्वा है, ग्रैंडलिम कैप्टन बना सकते हो, बाकी का रिकॉर्ड आप सामने देखो। यहाँ पर सिंपल से प्लेयर हैं जिनको हमें टीम में ट्राई करना, सिंपल नहीं बहुत तगड़े प्लेयर हैं, ओके। तो यहाँ से इन प्लेयर्स को हम टीम में लेकर चलने की कोशिश करना। अब बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर हैं, तो चलिए देखते हैं उनको भी। असिस्ट में जो गोल टॉप है वही असिस्ट में टॉप है, उस्मान डेमले, राफिन्हा, बाल्डे, फाती, अल्बा, ये वही प्लेयर्स आपको बार बार देखने मिलेंगे। मतलब हमने दोनों टीम की तरफ से 22 प्लेयर खेलेंगे इस मैच में, 22 में से 11 सेलेक्ट करना है। अब कौन से बेस्ट 22 में से 11 हैं वो तो इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं, आप हर बार देख रहे हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वन साइड विन कराते हैं वो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 22 में से जो 11 लेना होते हैं वो इजीली हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी टीम उन 22 में से कुल मिला के 14 प्लेयर को लेना होते हैं। अब 14 में से फिर 3 को घटाना होता है मुझे, उन 3 को कौन कौन से रहेंगे, कौन से डिफेंस वर्क नहीं करेंगे, एक तो गोलकीपर घट जाता है सीधी सी बात, 21 हो जाते हैं वहाँ पर, फिर 21 में सब और कम करना है, तो ऐसे क्लियरली इजीली हो जाता है लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ओके। तो जो हमने प्रेडिक्शन की इस मैच की स्कोरलाइन 2-1 रखा है, तो उस प्रेडिक्शन के अनुसार क्या इस मैच में टीम रहेगी, तो अब हम टीम पर ही नज़र डालते हैं। सीधी गोलकीपर की बात की जाए, दोनों टीम बहुत बढ़िया हैं, दोनों टीम के गोलकीपर बराबर के टेस्ट होंगे, जिसको चाहे आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं बार्सिलोना के गोलकीपर को फिर भी सजेस्ट करूँगा। क्यों? मैड्रिड अपने होम में खेलेगी, पूरी तरह अटैक पे खेलेगी, तो मैड्रिड होम फैन का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रखेगी, ओके। मिलिटाओ मैंने पहले बताया मेरे बेस्ट ऑप्शन है, अल्बा है, इन दो प्लेयर्स को मैं ड्रॉप नहीं कर सकता अपनी टीम से। अलाबा है, अराजो है, रोड्रिगेज़ है, डानी कारवाजल है, कोंडे है, अब देखो खेलेंगे सब के सब, लेकिन हमें सिर्फ 3 लेके चलने हैं, क्योंकि मुझे हमको लगता है कि ये मैच बहुत टीम स्कोर जाएगा, तो हमें 3 लेने हैं। अब देखिए इनमें से कोई एक लेना है, अब वो कैसे सेलेक्ट करें, अगर रॉबर्टो खेलेगा तो मैं टीम में ज़रूर लूँगा, बाकी को नहीं लूँगा, अभी के लिए मैं उन्हीं को पिक करता हूँ, ओके। रोड्रिगेज़ को हल्के मत लेना, ये हेडर में गोल करता है और वही प्लेयर है जो चेल्सी की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस करता था हर बार, ये मतलब चेल्सी की तरफ से ये टॉप हाइट गोल टेकर रहा था प्रीवियस सीजन, इस सीजन नहीं बल्कि प्रीवियस सीजन, ओके। अब हम बात करें मिड में, तो हमारे पास फेडरिको, पेड्रो गोंजालेज, लुका मॉड्रिक, चौमानी, टोनी क्रूज, फ्रैंक डिजोंग, डानी कोलबस, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन हमें अपनी टीम में सिर्फ उनको लेना है जो अच्छा कर सकते हैं आज के मैच में। फाती बहुत अच्छा प्लेयर है, ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे। एडन हजार्ड को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। मिगोल कार्डोसा, मतलब ये नहीं, ये दूसरा है और यहाँ पर कोई खास है नहीं, ओके। टोनी क्रूज हल्के में मत लेना, लेकिन अभी के लिए हल्के में अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं बेस्ट। रॉबर्ट, करीम बेंजेमा, विनीशियस जूनियर, ये तीनों टॉप प्लेयर हैं। फिर यहाँ से राफिन्हा है, रोड्रिगो है, उस्मान डेम्बेले है, देखो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक इन मैच में हमें ग्रैंड लीग ट्राई करनी चाहिए, समोर लीग पर ज़्यादा ध्यान नहीं, बल्कि ओपोनेंट का कुछ पता नहीं कौन को किस जगह लेकर आ जाए, क्या पता बहुत सारे दोनों को ड्रॉप कर लें बल्कि यहाँ पर इन सबको ले आए, तो ऐसा थोड़ा ये लॉजिक नहीं होता वैसे ही तो, लेकिन टॉप प्लेयर हैं जो उनको तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ पर क्रूज लेना चाहिए, ओके। तो टीम का प्रीव्यू ये है, लेकिन याद रहे ये टीम डेमो है, फाइनल टीम लाइनअप के हिसाब से ये आपको टेलीग्राम चैनल पर क्रिएट करी हुई मिल जाएगी। कैप्टन ऑब्वियसली यहाँ पर बेंजेमा रहेगा, वाइस कैप्टन रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो टॉप क्लास प्लेयर है, गोल इन दोनों ही के ज़्यादा आने के चांसेस है, लेकिन जूनियर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ओके। बाकी यहाँ पर इनमें से मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन के, इससे बेहतर फिर आप जोर्डी अल्बा को बना सकते हो, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पॉइंट तो दे जाएगा, असिस्ट करने का चांस रखेगा, मतलब ये 30-40 पॉइंट तो ईजिली दे जाएगा, जिससे गोल का भी चांस की उम्मीद रहती है, असिस्ट की भी चांस की उम्मीद रहती है, क्रॉसेस अच्छा कर लेता है, तो ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन दे सकते हो, लेकिन जो मुझे सही लगे वो मैंने दिए हैं, लेकिन फाइनल जो रहेगा वो लाइनअप आने के बाद टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।